हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो क्वांटम मैकेनिक्स में बीएससी पार्ट थर्ड में कोर्स में है अपने, उस पर डिस्कस करेंगे। अनिश्चितता सिद्धांत पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो 1927 में हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत जो है दिया। हाइजेनबर्ग ये सिद्धांत ही कहता है कि किसी भी कण की स्थिति व संवेग का निर्धारण एक ही समय पर पूर्ण यथार्थता से संभव नहीं है। किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण पूर्ण यथार्थता से संभव नहीं है। किसी कण की स्थिति व संवेग का एक साथ का यहाँ पर मतलब है एक ही समय पर पूर्ण यथार्थता से यथार्थता को सही करते हैं से निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, तो एक साथ किसी कण की स्थिति व संवेग का निर्धारण संभव नहीं है। यहाँ एक ही दिशा की बात हम लोग करेंगे, एक ही दिशा में ना। अगर हम लोग डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करें स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स के द्वारा व्यक्त की जाए, और डेल्टा पी एक्स जो है वो संवेग में अनिश्चितता को व्यक्त करे अगर, तब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो होता है वो सदैव ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू होता है एच क्रॉस बाय टू। ठीक है, और यही अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय स्वरूप है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जहाँ ये जो एच क्रॉस है ये होता है एच अपॉन टू पाई। एच का मान अपने को पता है 6.62 इंटू 10^-34, और 2 पाई का मान 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.05 इंटू 10^-34। ठीक है, -34, और मात्रक होएगा जूल इंटू सेकेंड। जो एच का मात्रक होता है वही जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट की ये अनिश्चितता सिद्धांत कहाँ से आया या इसका मूल कारण क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो कण की तरंग प्रकृति के कारण है ना, कण की तरंग प्रकृति के कारण अनिश्चितता सिद्धांत का उद्भव होता है। अनिश्चितता सिद्धांत उद्भव होता है। ठीक है, तो अनिश्चित सिद्धांत क्यों आता है, कण की तरंग प्रकृति के कारण आता है। ठीक है, किसी भी कण को हम लोग बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण के तुल्य मान सकते हैं, और ये जो अध्यारोपण है वो तरंग पैकेट कहलाता है। तो कण को एक तरंग पैकेट के तुल्य माना जा सकता है, कण को तरंग पैकेट के तुल्य मान सकते हैं। तरंग पैकेट का स्वरूप इस तरह से होता है, किनारों पर आयाम न्यूनतम होता है
और मध्य में आयाम अधिकतम होता, यानी कि मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ये जो तरंग पैकेट का डायमेंशन है इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बताता है इस स्थिति में अनिश्चितता को, ये कण की स्थिति में, कण की स्थिति में अनिश्चितता को ये डायमेंशन व्यक्त करती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कण की तरंग प्रकृति के कारण ही अनिश्चितता सिद्धांत का उद्भव होता है। पार्टिकल की वेव नेचर के कारण जो है अनिश्चितता सिद्धांत का उद्भव होता है, ये हम लोग कहना यहाँ पर चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि विहित संयुग्मी राशियाँ किन्हें कहते हैं, एक तो ये डिस्कस करेंगे और चलिए हमने अभी अभी ये कहा कि डेल्टा एक्स अगर जीरो हो तो डेल्टा पी एक्स अनंत हो जाएगा अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, है ना। कहने का मतलब ये कि स्थिति का अगर आप 100% सही मापन कर सकते हैं, पूर्णतया मापन कर सकते हैं, यदि स्थिति का पूर्णतया निर्धारण संभव हो, है ना, संभव हो, तब संवेग का निर्धारण, संवेग का निर्धारण बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, ना संभव नहीं होगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो डेल्टा पी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, यानी कि संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी। इसी तरह से अगर आप संवेग का पूर्णतया निर्धारण कर सकेंगे तब स्थिति में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, यानी कि स्थिति पूर्णतया अनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने बात करेंगे यहाँ पर कि एक्स दिशा में अगर स्थिति और वाई या जेड दिशा में संवेग, है ना, वाई या जेड दिशा में संवेग का एक साथ मापन संभव है, है ना, ये ध्यान दीजिए आप लोग, संभव है। एक्स दिशा में स्थिति और वाई और जेड दिशा में संवेग का एक साथ मापन संभव है, यानी कि यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है जो काम नहीं करेगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाई बराबर जीरो हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटीज है एक्स और पी एक्स, वाई और पी वाई और जेड और पी जेड, ये राशियाँ कहलाती है विहित संयुग्मी राशियाँ, विहित संयुग्मी राशियाँ। ठीक है, ये विहित संयुग्मी राशियां कहलाती है, इंग्लिश में बोलते हैं कैनोनिकल कॉन्जुकेट क्वांटिटीज। और अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो हम लोग लिख सकेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू एच क्रॉस बाई टू, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वलेंट टू एच क्रॉस बाई टू, और डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वलेंट टू एच क्रॉस बाय टू। ठीक है, तो ये अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो तीनों युग्मों पर ये लागू होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये अलग अलग युग्म पर लागू नहीं होगा, एक्स दिशा में स्थिति और वाई दिशा में संवेग के लिए लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे स्थूल, अच्छा ये ऊर्जा समय के लिए अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अनिश्चितता सिद्धांत। ऊर्जा और समय के लिए भी ये अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जा सकेगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू। ठीक है, डेल्टा ई क्या चीज़ है, किसी ऊर्जा कण की किसी
ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, कण की किसी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा में अनिश्चितता ना, डेल्टा ई है ये। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है ऊर्जा स्तर में कण का आयुकाल या जीवन काल, लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल ऊर्जा स्तर की बात करें, मूल ऊर्जा स्तर की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है, निश्चित होती है। ई निश्चित होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, ई फिक्स होगा, ई फिक्स होगा तो डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, है ना, ऊर्जा में अनिश्चितता जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा टी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। डेल्टा टी इनफाइनाइट होने का मतलब ये हुआ कि मूल ऊर्जा स्तर में कण का जीवन काल अनंत होता है, अनंत समय तक रह सकता है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर की बात करें, अगर हम लोग उत्तेजित ऊर्जा स्तर की, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की बात करें, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में कण का आयुकाल जो है 10^-8 सेकंड की कोटि का होता है। और इसको अगर हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज करें तो डेल्टा ई का मान लगभग सॉल्व करने पर आएगा, लगभग अपने पास आएगा 6×10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने ये निकाल लिया है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया, ध्यान रहे। तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा में अनिश्चितता इस ऑर्डर की होगी, 6×10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग, कोणीय स्थिति व कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एंगुलर पोजिशन एंड एंगुलर मोमेंटम। ये लिखा जा सकेगा डेल्टा थीटा इन एक्स डायरेक्शन इनटू डेल्टा एल इन एक्स डायरेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। ठीक है, जहाँ डेल्टा, जहाँ एल एक्स जो है वो कोणीय संवेग का एक्स घटक है ना, कोणीय संवेग का एक्स घटक ये बनता है, कोणीय संवेग का एक्स घटक। और थीटा जो है वो एंगुलर पोजिशन है ना, एंगुलर पोजिशन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्थूल कणों के बारे में। स्थूल कणों का आकार जो है परिमित होगा, जैसे कोई पत्थर हो गया, कोई कण हो गया, तो ऐसे कणों के लिए मास भी अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, लार्ज होगा। और इनका साइज जो होता है कणों का वो भी लार्ज है, अधिक है, अधिक है यानी कि लार्ज है। तो मास अधिक होने के कारण, मास अधिक होने के कारण संवेग में अनिश्चितता जो है वो नगण्य रहेगी, संवेग में अनिश्चितता नगण्य रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर एम बी होता है इसलिए। और साइज अधिक होने के कारण, साइज अधिक होने के कारण स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता जो है वो नगण्य रहेगी, क्योंकि साइज बड़ा है तो लगभग आप स्थिति फिक्स मान सकते हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता नगण्य रहेगी। ठीक है, तो स्थूल कणों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत जो है कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, इसलिए स्थूल कणों के लिए महत्वहीन हो जाता है अनिश्चितता सिद्धांत, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो जिन कणों का साइज और मास अधिक होता है उनके लिए अनिश्चितता सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है, स्थूल कणों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत अधिक महत्व नहीं रखता, अधिक महत्व नहीं रखता।
ये यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और लास्ट जो हम लोग डिस्कस यहाँ पर करना चाहेंगे वो ये है कि अनिश्चितता सिद्धांत, जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्यों आया? तरंग प्रकृति के कारण आया। और आप ये ध्यान दीजिए कि अनिश्चितता सिद्धांत कभी भी ये नहीं दर्शाता कि हमारे जो उपकरण हैं उनमें कमी है। अनिश्चितता सिद्धांत उपकरणों की कमी के कारण नहीं है। उपकरण हमारे जो हैं वो स्थिति और संवेग का एक साथ मापन कर सकते हैं, लेकिन कण में तरंग प्रकृति के कारण अनिश्चितता सिद्धांत आ जाता है। यह कणों की तरंग प्रकृति के कारण, तरंग गुण के कारण है। अनिश्चितता सिद्धांत का कारण क्या है? कारण है कणों में तरंग गुण का आ जाना। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में से आगे पढ़ेंगे।